दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में नया नॉमिनेशन का टास्क पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज दिन के समय घर के अंदर एक टास्क हुआ था जो कि लेटर वाला टास्क था, और इस टास्क के दौरान घर के कुल 5 कंटेस्टेंट जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब अगर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर दीपक चौरसिया, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और अरमान मलिक, कुल मिलाकर ये 5 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अरमान जो है टास्क का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि अरमान जो है पूरे सीजन के लिए बिग बॉस के द्वारा दंड स्वरूप नॉमिनेट किए जा चुके हैं। अब अगर बात करें घर के अंदर हुए टास्क की, तो आपको बता दें कि इस बार जो है घर वालों को सबसे हटकर नॉमिनेशन का टास्क दिया गया, क्योंकि इस बार जो है घर वालों को एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करना था, बल्कि घर के सभी कंटेस्टेंट जो है एक दूसरे को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एक लेटर लिखते और उसको लेटर बॉक्स में डालना था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है घर वालों को लेटर लिखना था, और उस लेटर में वो उस कंटेस्टेंट का नाम लिख सकते हैं जिसको कि सेव करना चाहते हैं। इस दौरान दोस्तों लवकेश कटारिया ने विशाल के लिए लेटर लिखा, यानी कि वो विशाल को सेव करना चाहते हैं। वहीं विशाल ने लवकेश को सेव करना चाहा। इसके अलावा नेजी के लिए यहाँ पर सना सुल्तान और सना मकबूल ने लेटर लिखा। शिवानी के लिए लव कटारिया ने लिखा। सना मकबूल के लिए विशाल, शिवानी और चंद्रिका ने लेटर लिखा। सना सुल्तान के लिए नेजी, सई और कृतिका ने लेटर लिखा। दीपक के लिए यहाँ पर सिर्फ एक रणवीर है जो उसने लेटर लिखा था। सई केतन के लिए नेजी, सना सुल्तान और रणवीर ने लेटर लिखा। कृतिका के लिए अरमान और चंद्रिका ने लेटर लिखा, जबकि चंद्रिका के लिए दीपक चौरसिया, शिवानी और सना मकबूल ने लेटर लिखा। इस प्रकार दोस्तों ये लेटर वाला टास्क घर के अंदर हुआ था, जिसको लेटर बॉक्स टास्क नाम दिया गया था, और इस प्रकार इस हफ्ते का नॉमिनेशन हो चुका है। कुल मिलाकर 5 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। एक बार फिर से बता दें कि दीपक चौरसिया, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और अरमान मलिक, ये 5 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन 5ों में से मिडवीक एविक्शन किसका होता है। फिलहाल आप 5ों में से किसे घर भेजना चाहेंगे, अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।